हमारे शास्त्र कहते हैं धर्म हीना ते पशु भी समाना, जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। आप कहोगे कैसे कह रहे हो आप, ये बड़ा सरल है। आज हम क्या कार्य कर रहे हैं, खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और बचाव करते हैं, यही कर रहे हैं चार कार्य। जानवर भी यही कर रहा है, जानवर भी यही करता है, खाता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाना सोना बच्चे पैदा करना और बचाव करना। आप कहते हो मैं प्लेट में खाता हूं, अच्छा जी, जो प्लेट में नहीं खाना जानता उसका मतलब वो मनुष्य नहीं है, ये कहां लिखा है? प्रक्रिया क्या है खाने की, पेट भरने की, जिससे कि स्वस्थ रहे, निद्रा सोता है। अरे आप लोगों को मालूम है घर में शादी वादी होती है तो इतना काम होता है कि आप शादी जब हो जाती है तो कहीं भी सो जाते हो, पलंग भी नहीं ढूंढते, कहीं भी सो जाते हो। सोने का मतलब होता है कि शरीर को वापस तंदुरुस्त करें कि फिर कार्य कर सकें। आपकी जानकारी के लिए, हम दिल्ली में ऐसे घरों के अंदर जानते हैं लोगों को जहां की कुत्तों के अपने नौकर हैं। क्या है? कुत्तों के अपने नौकर हैं, रहते हैं एयर कंडीशन के अंदर, कुत्ते रह रहे हैं। खाने के लिए जो हम लोग पता लगा महीने में जितने पैसे का खाते होंगे वो एक दिन में खा जाते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं। बचाव करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड है, बताइए आप मुझे, हम किस तरीके से उनसे अच्छे हुए, जानवरों से कैसे अच्छे हुए? जब ये शास्त्र कहते हैं द्विपद पशु, क्या कहते हैं? द्विपद का मतलब दो पैरों के पशु। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे अंग्रेजी में रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स, मतलब पशुओं के, जैसे किताब होती है ना एक अच्छी जिल्द चढ़ी हुई और एक ऐसी नॉर्मल किताब, माल तो दोनों में एक ही है, जो लिखा है वो तो एक ही है, तो हम कैसे स्पेशल हो गए, कैसे हो गए? और धर्म का अर्थ समझिए, मंदिर जाना धर्म, केवल मंदिर जाना धर्म नहीं है, वो धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे कि कॉलेज जाना पढ़ाई करने का एक छोटा सा हिस्सा है। मेन हिस्सा क्या है बताइए? पढ़ना। मेन हिस्सा क्या है? पढ़ना है। आप जानते हैं धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है, धर्म होता क्या है? अरे रावण भी धर्म करता था पालन, उस शिव जी का उपासना करता था, उसके घर में शिवलिंग था, जानते हैं ना इस बात को, फिर भी असुर कहलाया प्रभु जी, फिर भी असुर कहलाया। सिर्फ मंदिर जाने से या पूजा करने से आप भक्त नहीं बन जाते, चमचे जरूर बन जाते हो। तो आप प्रश्न कर सकते हो चमचे का मतलब, चमचा वो होता है जो अपनी आज्ञा पालन कराता है। चमचा कौन होता है प्रभु जी? जो अपनी आज्ञा पालन कराता है, स्वामी की आज्ञा पालन नहीं करता। और भक्त कौन होता है? जो अपने स्वामी की आज्ञा पालन करता है। हनुमान जी के बारे में सुना है ना, कभी सुना आपने हनुमान जी ने राम जी से कहा हो कि मेरा ये काम कर दो? हनुमान जी हटने में एक ही चीज कहते थे, हनुमान जी एक ही चीज कहते थे कि राम जी मेरी एक इच्छा है, बोलो क्या है, कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। वो भक्त है। ये हमारे साथ सनातन धर्मियों के साथ बहुत बुरी हालत है, हमें पता ही नहीं कि धर्म शब्द क्या होता है। आप लोग यहां आए बहुत अच्छी चीज है, आप लोग मंदिर जाते हैं बहुत अच्छा है, परंतु वहां करते क्या है, क्या करने जाते हैं वहां, बताइए आप मुझे। कभी भगवान से कहा कि बोलिए मैं क्या करूं आपके लिए, बताइए किसी ने कहा है? ये सबके सब एक ही बात कहते हैं, आप मेरे लिए ये कर दीजिए, आप मेरे लिए ये कर दीजिए। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, भगवान तुम्हारे कोई
सब्जी को सप्लाई करने वाले व्यक्ति हैं क्या? उनकी दुकान चल रही है सब्जी की और आप बोलते हो 11 नारियल चढ़ा दूंगा, 11 ब्राह्मणों को भोज खिला दूंगा। इससे नहीं भक्ति होती है। जब ये आप लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि धर्म समझिए।